तो वहीं अब बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को प्रचंड जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी दौरे पर हैं। आज 16 मार्च को उनकी पहली रैली तेलंगाना के नगर कुरनूल में हुई। पीएम ने यहां लोगों से कहा कि तेलंगाना के लोग बीआरएस के खिलाफ गुस्से से भरे हुए हैं। लोगों ने मोदी को फिर से लाने का फैसला सुना दिया। पीएम ने कहा कि देश ने घोषणा कर दी है कि अब की बार 400 पार। आपको बता दें कि पीएम मोदी बीते कुछ महीनों से लगातार दक्षिण भारतीय राज्यों का दौरा कर रहे हैं। शुक्रवार को भी पीएम तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना के दौरे पर थे। यहां उन्होंने रैली और रोड शो भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल के पथनमथिट्टा में जनसभा की, जहां पीएम ने कहा था कि हमारी सरकार ने तेलंगाना के गरीबों के लिए 1 करोड़ बैंक अकाउंट खोले हैं, 1,50,000 से ज्यादा लोगों का बीमा भी कराया गया है और वही कई लाख से ज्यादा उद्यमियों को मुद्रा लोन का लाभ मिला है। तेलंगाना के 80 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना में हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है। पीएम ने कहा कि इस बार केरल में कमल खिलने जा रहा है। भाजपा यहां की युवा ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, इसलिए केरल के लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। केरल में इस वक्त कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है और चर्च के पादरी भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। कितने ही कॉलेज कैंपस कम्युनिस्टों के गुंडों के अड्डे बन चुके हैं। महिलाएं, युवा और हर वर्ग के लोग अब डर में जी रहे हैं। राज्य सरकार में बैठे लोग चीन को नींद सो रहे हैं। इन समस्याओं से छुटकारा तब मिलेगा जब यहां से कांग्रेस और एलडीएफ की मिली भगत का चक्कर टूटेगा। हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ तेलंगाना के जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हमने दिन रात काम किया है। हमने तेलंगाना के गरीबों के लिए 1 करोड़ बैंक अकाउंट खोले हैं। ये मैं पूरे देश की बात नहीं बता रहा हूं, ये मैं हमारे तेलंगाना की बात बता रहा हूं। तेलंगाना के 1,50,000 से ज्यादा लोगों का बीमा किया गया है और वो भी सिर्फ 20 रुपये सालाना के प्रीमियम पर, यानी एक चाय की कीमत से भी कम। तेलंगाना के 67 लाख से ज्यादा छोटे उद्यमियों को मुद्रा लोन का लाभ मिला है। तेलंगाना के 80 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ मिला है। यहां के परिश्रमी मादिगा समुदाय को सशक्त बनाने के प्रयास भी हमने शुरू किए। ये प्रयास जारी रहेंगे और ये भी मोदी की गारंटी है।